सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 जो है रेशनल नंबर आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन आपका 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देखिए कितने रेशनल नंबर बताने हैं आपको, 6 बताने हैं। अब देखिए 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/1। 4 को क्या लिख लें, 4/1। रेशनल नंबर की फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 को 3/1, 4 को 4/1। कितने रेशनल नंबर बताने हैं आपने, 6। जितने भी रेशनल नंबर बताने हैं ना उसके अंदर आप एक ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 7। ठीक है, 7 बन गया। इस 7 को क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को कर दिया। ये आपका क्या बन जाएगा, 21/7, और ये आपका क्या हो जाएगा, 28/7। यानी से एक किस्म से 3 आपका, क्योंकि 31 को 7 से डिवाइड करोगे 3 ही तो आएगा, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 ही तो आएगा, वही चीज़ है। अब इनके बीच में आपके जो भी नंबर है उनको हम लिख देंगे। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर क्या क्या होंगे भाई, 21 से 21 तो 3 है एक किस्म से आपका, क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 और 27/7, इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही करना आपको इसको। वैसे अगर आप इसको चाहो ना, फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया सवाल। अगर आप इसको चाहो, जैसे 3 and 4 के बीच में पूछ रहा है, वैसे बता रहा हूँ एक और, 3 and 4 के बीच में आप क्या लिख सकते, 3 से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ऐसे कितने रेशनल नंबर आप इनके अंदर बता सकते। तो ये भी आंसर आपका सही होगा अगर आप ये लिखोगे, तो ये भी सही होगा। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।